अगर आप एक दुकानदार हो तो आपको माय बिल बुक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन दुकानदार के लिए ही बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माय बिल बुक क्या है, कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करने से क्या आपका बेनिफिट होने वाला है, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेक्निकल यार को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके एक नोटिफिकेशन बेल दिखेगा उसे भी क्लिक करके ऑल कर देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचते रहे। चलिए शुरू करते हैं। हम आ जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर माय बिल बुक सर्च कर देंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएंगे। माय बिल बुक का शॉर्ट नाम बिल बुक है, ओके। जब आप इसे डाउनलोड करोगे अपने फ़ोन में तो बिल बुक के नाम से ही आपके फ़ोन में आएंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसका यूज़ करेंगे। देखो, अगर आपके पास कोई शॉप है, अगर आप एक दुकानदार हो तो ही आप इस ऐप को यूज़ करें, वरना आप अगर दुकानदार नहीं हो तो इस ऐप को आपको यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं इस ऐप में आखिर है क्या। देखो, जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हो उसका अलग अलग बिल बना के आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, वे आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो सारी की सारी जो है चीज़ें बताया गया है, फिर भी आप यहाँ पर नहीं समझ पाओगे, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हर एक जानकारी मैं आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। आपको जो भी लैंग्वेज आता है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो भी है वो आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर हिंदी हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप किस नंबर पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं माय बिल बुक का, वो नंबर यहाँ पे आप डालें। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करें। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर देने हैं। फिर आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड जाता है। ये कोड आने में थोड़ी सी टाइम लगता है, 10 से 20 सेकेंड लगते हैं। तो कोड को आपको यहाँ पे लाके एंटर करना होता है और उसके बाद हम वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं क्या आप व्हाट्सएप अलर्ट ऑन करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से इसे ऑन करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है, मतलब कि बिजनेस का प्रकार चुनें। तो आपका बिजनेस कौन सा है वो आप चुने। यहाँ पे आप रिटेलर हो या फिर होलसेलर हो, जो भी हो वो आप सेलेक्ट करें। ओके, उत्पादक हो या सर्विस, तो ज़्यादातर जो है होलसेलर होते हैं, तो हम होलसेलर की ही बात करेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका बिल जो है कैसे बनते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप इनमें से कोई नहीं आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद आगे बढ़े वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपसे पूछे जाते हैं आपका जो है GST रजिस्टर हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं ही होती है। ओके, और ज़्यादातर लोगों के पास हाँ ही होते, तो हम अभी नहीं सेलेक्ट करेंगे। आप इसे हाँ भी कर सकते अगर आपके पास GST है तो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पे आपका जो है कंपनी या फिर स्टैंडरीज जो है वो कौन से प्रकार का है। ओके, या फिर शॉप किस प्रकार का है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं, राशन का है या फिर जो भी है आप चुन सकते हैं। अगर इनमें से नहीं आता अगर आपका शॉप का नाम, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इसे खाली छोड़ते हैं। उसके बाद हम नीचे में पहला बिल बनाए में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, आपको बताया जाता है कि आपने पसंदीदा जो है फॉर्म का जो है चयन करें, तो आप जो है चयन कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग तरीके का साइज़ दिया गया है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप चुनें। तो इस तरीके का जो है अच्छा नहीं लगता, तो मेरे हिसाब से ये भी सही है और ये भी सही है। ये सही है, फर्स्ट वाला काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टोर या शोरूम का नाम आ जाता है, यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह आ जाता है। ओके, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी आ जाता है। अगर ये बिल सेलेक्ट करते हो तो ये भी काफ़ी सही है। ओके, दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फर्स्ट
वाले को रहने दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम नीचे में ब्लू वाले बटन पे सबमिट करेंगे, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से इंतज़ार करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेजेस आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने शॉप का जो नाम है, जो पिक है, जो लोगो है, उसको यहाँ पे एक्टिवेट करना है, यानी कि ऐड करना है, ताकि आपका जो बिल पे लोगो नाम वगैरह हो वो सारे चीज़ अच्छे से जाए, ओके। तो इसके लिए आप देख सकते हैं बिजनेस का नाम में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस का नाम बदले या जोड़े, जो भी है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेजेस आ जाता है। यहाँ पे आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो नंबर यहाँ पे रहेंगे। अगर आप इसी नंबर को रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप इस नंबर को नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस नाम आपको ऊपर में रखना है, जो भी आपके शॉप का नाम है उस नाम को आप यहाँ पे रखें, ओके। तो जैसे कि मैं रख देता हूँ अपने शॉप का नाम नीतीश, उसके बाद यहाँ पे SHOP शॉप, यहाँ पे हम अपने शॉप का नाम रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोगो का एक ऑप्शन है जिसमें आप अपने दुकान का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दें। ये मेरा पिक रहा, चलिए मैं इस पिक को लगा के यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देंगे। तो काफ़ी आसान है इसको यहाँ पे क्रॉप करके अपलोड करना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे हमारे वीडियो पर जो है काफ़ी सारे लाइक होते हैं और हमें आगे का वीडियो बनाने का भी मन करते हैं, ओके। तो ज़रूर से एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें। उसके बाद यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आता है GST नंबर का, अगर आपने अपना GST नंबर ले रखा है, रजिस्टर करवा रखा है, तो उस नंबर को यहाँ पे डालें, और अगर नहीं करवा रखा है तो आप खाली छोड़ें। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस का पता आप ऐड करें। सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपना राज्य का नाम और जिस भी गांव में रहते हैं, जहाँ पे भी आपका शॉप का नाम है, जिस भी सिटी में आप, वो रख के यहाँ पे नीचे में से वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके पास UPI है, पेटीएम, गूगल पे वगैरह है, उसको यहाँ पे आप ज़रूर से ऐड करें, ताकि बिल पेमेंट आपको ऑनलाइन जो है मिल जाए यहाँ से, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो है बैंक की जानकारी भी आप जो है यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं, जो भी आपका बैंक है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि जो भी पेमेंट करेंगे ऑनलाइन वो उसी अकाउंट में आ जाएंगे, ओके। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो ज़रूरी नहीं है भरना, और उसके बाद हम सिंपल कर देंगे यहाँ पर ऐड, ओके। बट मैं आपको बता दूँ, जैसे आप यहाँ पर ऐड करते हो तो ये चीज़ जो है मतलब कि फ्री का नहीं है, ओके। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तब जाके आपका जो है ये चीज़ ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो फैसिलिटी आपको मिलते हैं, इसीलिए ये कुछ पैसे आपसे लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक मोबाइल में जो है अगर आप रखना चाहते हो तो इसका इतना पेमेंट लगता है, जो है महीने का 3300 रुपये लगता है एक महीने का, ओके। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे जो है अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कैंसिल करते हो, तो आपको 30 दिनों तक पैसे की भी जो है मतलब वापसी मिल जाता है, ओके। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इनको लेने का क्या बेनिफिट है, देखो ये भी इसने बताया है, सिर्फ एक नंबर पे रहेंगे, यहाँ पर जो है 1 बिजनेस 1 यूज़र, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इन्वेंट्री आसानी से मैसेज करे, उसके बाद यहाँ पर ये जो बिल पे लोगो आएंगे ये भी हट जाएंगे। अब ये लोगो जो होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पर GST वगैरह के बारे में भी काफ़ी सारे है, यहाँ पर आप जो है QR कोड भी ले सकते हैं, ओके। उसके बाद प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे और भी कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे इसके टीममेट मतलब कि जो भी इसका टीम सपोर्ट होता है उसका भी आप जो है हेल्प ले सकते हो। तो ये चीज़ जो है किया गया है। तो गाइस आप जो है इसका यूज़ ज़रूर से एक बार करें, अगर आप मतलब दुकानदार हो तो आप ज़रूर से इसका सब्सक्रिप्शन ले। मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत इसका सब्सक्रिप्शन लेने का, बट मैं आपको बता दिया। अब चलिए फाइनली बात करते हैं, मैं अपने कस्टमर का बिल यहाँ से कैसे तैयार कर सकता हूँ, ओके, जो इसका मेन काम है। देखो यहाँ पे जो है बिल जो है अपना जो है पहला बिल बनाए में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो जिसके भी नाम का बिल है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पे अमित का जो भी नंबर वंबर है वो आप यहाँ पे डालें,
उसके बाद यहाँ पे अब आपका बिल बनाने के लिए रेडी है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप अगर इसी तारीख को बिल बनाना चाहते हैं तो आप इसी तारीख को चुनें, अगर कोई अलग तारीख का बिल बनाना चाहते हैं तो वो तारीख आप चुनें। यहाँ पे देख सकते हो 11 फरवरी 2022 यहाँ पे, और यहाँ पे जो है भुगतान की तिथि आप कितना दिन तक का रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे बिल में मेंशन कर सकते हैं कि मुझे भुगतान आज ही चाहिए या फिर आज के बाद चाहिए, मतलब ये चीज़ आप जो है सेलेक्ट करके रखें। उसके बाद जो है बिल क्रमांक आप 1, 2, 3, 4 जितना भी बिल बनाना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे में आइटम जोड़ी में क्लिक करेंगे बिल बनाने के लिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको नया जो है आइटम बनाए यानी कि नया बिल बनाए इसे ही कहते हैं, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आइटम का नाम आप लिखें, आपने क्या बेचा अपने दुकान से वो आप यहाँ पे एंटर करें। तो जैसे कि मैंने एक फ़ोन बेचा है, ठीक ना, और वो जो फ़ोन था वो सैमसंग था या नोकिया था, कोई भी फ़ोन था, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ कि अपने दुकान से मैंने फ़ोन बेचा। यहाँ पे फ़ोन का नाम भी वैसे आ चुका है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आईफोन को ही रख लेता हूँ, मैंने अपने शॉप से एक फ़ोन बेचा, ओके। और फ़ोन का जो कीमत है ये ऑटोमेटिक ही आ चुका है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इस कीमत को घटाना बढ़ाना चाहते हो तो वो आप खुद से यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो है 39,999 रुपये, तो आप जो है इसको जो है घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में जो है यहाँ पे RPM जो भी शो करवाना चाहते हैं वो अभी वही आप करवाएं, जैसी आपकी जो है मतलब की मर्ज़ी, जो भी आप बिल में लिखना चाहते हैं जिस तरीके से हम सब मतलब कि नॉर्मल लाइफ में लिखते हैं उसी तरीके से आप बिल को जो है यहाँ पे लिखे। यहाँ पे देख सकते हो बिक्री मूल्य ये है, ख़रीदारी मूल्य ये है, RPM ये है। तो ये तीनों चीज़ जो है अलग अलग होता है, आपको पता होगा अगर आप एक दुकानदार हो तो, अगर दुकानदार नहीं हो तो आप इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होंगे, ये तो मुझे पता है। तो मूल्य जो है बिक्री मूल्य यहाँ पे जैसे कि मैं रख दिया कि भाई इस फ़ोन को जो है इतने पैसे में बेचने हैं, ओके, जैसे कि मैं रख दिया कि 40,000 में इस फ़ोन को बेचने हैं, और इसका जो है ख़रीद जो है 38,000 रुपये है, ओके, ख़रीद 38,000 रुपये है। और RPM का जो डब्बा होता है इस पे तो मतलब बढ़ा उठा के होते जो सबको पता होता है, तो यहाँ पे मैं 43,000 रुपये लिख दिया हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैं प्रोडक्ट के साइड में, यहाँ पे सर्विस है, तो सर्विस को भी आप जो है यहाँ पे अधिक में क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। सर्विस का मतलब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का पिक है वो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि एक फ़ोन मैंने बेचा तो कि तो ये वो फ़ोन था, तो इसका मैं पिक सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं क्रॉप कर लूँगा जो भी हमें एरिया चाहिए। एक से अधिक पिक भी आप मतलब कि यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है पिक को लगाने के बाद यहाँ पर आप जो है सूर्या स्टॉक का भी नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे तारीख को आप यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं, आइटम कोड भी डाल सकते हैं जो कि ज़रूरत ही नहीं है, बट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम आइटम सेव में क्लिक कर देंगे, ओके। और उसके बाद फाइनली हमारा जो बिल होता है वो कुछ इसी तरीके से जनरेट होता है, ओके। तो ये जो मतलब बहुत ही आसान होता है बिल बनाना वैसे तो, लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर से वीडियो को पीछे करके फिर से देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो है बिल जो है बन के रेडी हो चुका है, एप्पल का है जो iPhone 8 जो है, यहाँ पे 128 GB इसका जो है प्राइस मैंने 40,000 रुपये रखा था। यहाँ पे क्वांटिटी जो है सिर्फ एक ही था, एक ही प्रोडक्ट था। और यहाँ पे देख सकते हो नीचे में जो है यहाँ पे लिख के आ चुका है बिल जनरेट करें, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद फाइनली आपका जो बिल है वो कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आप जो है अमित को अपने उसके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, फॉर एग्जांपल ये जो है बिल बन चुका है, आप देख सकते हो ये हमारे शॉप का नाम आ चुका है नीतीश शॉप। उसके बाद यहाँ पे नीतीश का जो शॉप है उसका पिक आ जाएगा, आपके दुकान का पिक आ जाएगा या लोगो आ जाएगा या आपका जो पिक है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपका जो शॉप जहाँ पर भी है उसका एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर बिल का जो है डेट आ जाएगा, ओके। यहाँ पर उसके बाद जो है नीचे में आइटम का नाम आ जाएगा, जो भी आपका आइटम है, जो भी चीनी फ़ोन जो भी है कपड़े वगैरह वो उनका नाम आ जाएगा। साथ में आगे में ये भी आ जाएगा कि मतलब कि इसका जो क्वांटिटी है वो कितना था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, जो भी था यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद रेट कितना था फ़ोन का वो देख सकते हैं, आ चुका है 40,000 रुपये था। उसके बाद नीचे में यहाँ पे सब टोटल लिख के आ चुका है, जो कि 1 था यहाँ पे, क्वांटिटी 1 था। उसके बाद जो है यहाँ पे अमाउंट जो है वो 40,000 रुपये का था। यहाँ पे देखो बिल के बाद यहाँ पे निकला है जो है पूरा का पूरा जो अमाउंट मिला के यहाँ पे हो जाता है ये, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपना सिग्नेचर वगैरह लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना मंथली सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा, उसके बाद ही आपका जो है ये वाला यहाँ पे आपका दस्तखत आ जाता है, और ये जो लिख के आया है माय बिल बुक का वाटर मार्क ये भी हट जाता है। तो ये चीज़ होते हैं मतलब कि वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेने का। अब फाइनली बात करते हैं ये जो बिल है इसको हम करें क्या। इस बिल को जो है आप यहाँ से जो है प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से जो है आप शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो है बिल जो है डाउनलोड हो चुका है हमारे फ़ोन में, इसे जो है हमने डाउनलोड कर लिया। और फाइनली यहाँ से जो है देख सकते हैं पेमेंट लिंक शेयर करें, तो आप जो है इसको जो भी कस्टमर है आप उनके फ़ोन पे शेयर कर सकते हैं। तो देख लो जैसे कि मैंने इस फ़ोन पे ये शेयर कर दिया। अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये अमित है और इसको जो है इस प्रोडक्ट का जो है रसीद मिल चुका है, आई मीन बिल मिल चुका है, तो वो क्या करेगा इसको जो है पेमेंट भी कर सकता है। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे एक लिंक भी दिया गया है, जैसे वो इस लिंक पे क्लिक करेगा उसके बाद यहाँ पे देखो आ चुका है इसका जो है, ठीक ना, ये जो है हमारी शॉप का जो है आ चुका है, देख सकते हो नीतीश शॉप। उसके बाद टोटल अमाउंट इतना था, उसके बाद जो है ये चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, और उसके बाद चाहे तो यहाँ से पेमेंट भी कर सकता है, यहाँ से हमको कॉल भी कर सकता है, उसके बाद जो है यहाँ से व्यू भी अच्छे से कर सकता है, आई मीन बिल को देख सकता है, ओके। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस एप्लीकेशन के द्वारा कर सकता है, ओके। और मैंने जो बताया था आपको अपना अकाउंट ऐड करके रखना है, वो अगर आप ऐड करके रखते हो तो यहाँ पे जो आप लिंक भेजते हो उन पे वे पेमेंट कर देंगे, आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाएगा, ठीक ना, उसी बैंक में उसी यूपीआई पे जो आप वहाँ पे ऐड करके रखोगे। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसको जो है प्रिंट भी करके रख सकते हो, देख सकते हो प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट आप कितना करना चाहते हो, कौन सा प्रिंटर है, प्रिंटर आप जोड़ के रखें उसके बाद आप प्रिंट भी कर सकते हो, ये चीज़ आपको खुद से करना होगा। उसके बाद जो है पूरा हुआ में हम क्लिक करेंगे, देख लो बिल जो है वो बन के अमित के नाम पे रेडी भी है। अब ये बिल जो है मैं शेयर भी करता रहूँगा, और वो हमको पैसे अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे लिंक के थ्रू तो पैसे हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएंगे, जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि आप अपना अकाउंट वगैरह ऐड करके रखें। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि आप अपना यहाँ पे देख सकते हो यूपीआई या फिर जो भी आपका यहाँ पे बैंक की जानकारी है वो आप ऐड करके रखें, ताकि लिंक जब आप भेजोगे किसी कस्टमर के पास ये वाली यहाँ पे देख सकते हो लिंक वाली, तो वो आसानी से व्हाट्सअप पे जाने के बाद पे कर देंगे और वे पैसे आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएंगे। तो गैस कुछ इसी तरीके से जो है आप यहाँ से बिल जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर को बिल भेज सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो वो आप मुझे नीचे में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।